आज सुबह 8 बजे से ही जो है सभी मतदान केंद्रों में भीड़ नजर आ रही है, और आप मेरे पीछे का नजारा भी देख सकते हैं, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और ये देखिए आप भीड़ कितनी है इस मतदान केंद्र में, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, और इसी तरीके से जो है सुबह 8 बजे से जो है इस मतदान केंद्र में भीड़ नजर आ रही है। और सिर्फ यही नहीं, राजधानी रायपुर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरे प्रदेश की अगर वोटिंग परसेंटेज की भी बात की जाए तो इस बार का जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी अगर 1 बजे की बात की जाए तो वो हाई लग रही है। क्योंकि देखिए 2018 में भी प्रदेश में इलेक्शन हुए थे, विधानसभा चुनाव हुए थे, और इस बार जो ग्रामीण इलाके हैं उसमें भी जो है वोटिंग परसेंटेज कहीं ना कहीं हाई होते नजर आ रहे हैं। लोगों से हम बातचीत करेंगे, लोगों के मुद्दे समझेंगे। आप मतदाता के तौर पर किस तरीके से देख रहे हैं, आपने अपना मताधिकार का प्रयोग किया है, इस वादों इस पर भरोसा अगर देखें तो देखिए सरकार कई वादे करती है, लेकिन जागरूक होकर जागरूक मतदाता के तौर पर आपने क्या मतदान किया है, क्या कहेंगे? वादा तो जितने भी आए सारे नहीं किए, वादा तो जितने भी आए सारे नहीं किए, लेकिन हम चाहते हैं कि जो भी आए जैसे भी हमारा काम करें, एक बार देख के चले जाते हैं। मुख्य रूप से जो मतदान हो रहा है मुख्य परिपक्ष है, वो मुख्य परिपक्ष ये है कि गैस सिलेंडर में हमको 500 रुपए की छूट मिल रही है, और उस 500 रुपए की छूट से बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा है हमको। तो लोगों का यही कहना है कि जो आने वाली सरकार है, पिछली सरकार रह चुकी, उसने जो घोषणा पत्र में अनाउंसमेंट किया है, जिसने घोषणा पत्र में लिखा है, उसको देख के लोगों के प्रति जो जागरूकता है, वो लोग यही इसी ओर आकर्षित हो रहे हैं। जैसे कि मेरा जो भी सोच है, तो मेरा बेनिफिट यही है कि गैस सिलेंडर में मेरे को छूट मिल रही है, वो दिख रहा है बिल्कुल। और जिनके कारण मतदाताओं के स्थित है, जिनके कारण हम दिन और रात अन्न खाते हैं, तो उनको जो लाभ मिल रहा है उनकी खुशी ना हमारी खुशी, क्योंकि हम शहरवासी हैं, और शहरवासी इस चीज को मद्देनजर नहीं रखता, सोचता नहीं, जनता सब जानती है। ये यहाँ पर लोग कहते नजर आ रहे हैं। और देखिए सुबह से ही मतदान जो है केंद्रों में भीड़ नजर आ रही है, और लोग जो है अपना मताधिकार का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। और छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कतार में लगकर जो है उन्होंने अपना मताधिकार का प्रयोग किया है। वहीं कई हॉट सीटें थी, वहां पर भी जो है मतदान लगातार जारी है। और देखिए अगर दूसरे चरण की बात की जाए तो 70 विधानसभा है, और पहले चरण की बात की जाए तो 20 विधानसभा, 90 विधानसभा का पूरा ये विधानसभा चुनाव होना है। और अगर कई बड़े चेहरों की बात की जाए, राजधानी रायपुर के सीटों की बात की जाए, चार सीटों की मुख्य तौर पर बात करते हैं, रायपुर दक्षिण, उत्तर, पश्चिम, और चौथी जो सीट होगी वो ग्रामीण होगी। तो इन सभी सीटों पर जो है कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है, लोग पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.